प्रसन्नात्मा भीक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें शंका से समाधान की ओर ले जाएगा, हमारी जिज्ञासाओं को समाहित करेगा, हमारे अंदर की परेशानियों का एक स्थायी और एक सुंदर समाधान होगा। अक्सर हमने देखा है कि एक व्यक्ति के सामने परिस्थितियां बदलती हैं, उसका मूड चेंज हो जाता है। हम कोई कार्य करते हैं, मूड अच्छा नहीं होता, हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोई व्यक्ति हमें कुछ बुरा भला कर जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो बार बार अपने आप को पूछते हैं, कैसे मैं ठीक दिख रहा हूँ, क्या मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, क्या ये मेरा ये तरीका ठीक है। वो हर जगह एक्रेडिशन चाहते हैं, हर जगह रिकॉग्निशन चाहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब दूसरे उसे एक्सेप्ट करेंगे तभी वो व्यक्ति वास्तव में सही होगा, यानी हमारा एंगल है दिखावा। हम दिखावे पर उतने ज़्यादा आधारित हैं कि हम कैसे दिखते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बल्कि हम अपने आप को देखना शायद हम भूल जाते हैं। तो आज हम यात्रा करेंगे, प्रसिद्धि से सिद्धि की ओर प्रयाण करेंगे, दिखावे से अंदर देखने की दुनिया में एक प्रस्थान हम करना चाहते हैं। इस समर वेकेशन में बहुत लोग अपनी यात्राएं जिन्होंने बुक की होगी, फॉरेन टूर्स, वेकेशन टूर्स, शायद इस बार सब कैंसिल हो चुके हैं, मगर एक टूर हम सबको करना है जो हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा, यात्रा मैं से मुझ तक, जर्नी फ्रॉम आई टू मी। एक छोटी सी घटना, एक गांव में अफसर की नियुक्ति हुई ये देखने के लिए कि गांव में सब कुछ ठीक तो है, और वो देखते हुए जानकारी बढ़ाता है अपनी, उसे ज्ञात होता है कि वहां पर एक कुआं है जो रहस्यमय है, उसका नाम है मौत का कुआं। आज तक 500 लोग उसके अंदर गए, वापस लौट के नहीं आ पाए। उसके अंदर जिज्ञासा थी, कुतूहल था, जिसकी ना होती है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, न ही करना है हमें वही। और वो जाता है उस कुएं में, बहुत सारे लोग उसे समझाते हैं कि ठाकुर जी, साहब जी, अफसर जी, इसे मत जाइए, जीवन समाप्त हो सकता है, पर वह नहीं रुकता है, वह हिम्मत करके नीचे उतरता है। सूखा कुआं था, ड्राई था, सूखे पत्ते दिख रहे थे, ऊबड़ खाबड़ पायदान था, जैसे तैसे वो नीचे उतरता है, सूखे पत्तों पर पैर रखते ही एकदम से स्लिप होता है, स्किट होता है, और आवाज आती है झटके की, उई माँ। और सब लोग गांव वाले बाहर कहते हैं, अफसर तो गिव। अब इसकी भी उस 500 की लिस्ट में अभी 501 बार नंबर जुड़ चुका है। इधर अफसर का दृश्य कुछ डिफरेंट था, वो कुएं के अंदर, सूखे कुएं के अंदर, अंधेरे के अंदर स्लाइड होता 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 कुछ दूरी पर एक अलग ही क्षेत्र में निकलता है, जो एक तरह से वंडरलैंड था, एक अलग ही दृश्य था प्रकृति का, वहां पर एक सुंदर प्रकाश, एक अच्छा माहौल। और वहां वो कुछ लोगों को देखता है हंसते हुए, खुश मिजाज, मुस्कुराते हुए, उन्हें देखकर कहता है, आप लोग यहां पर, अरे आपका तो 500 लोगों की फ्रेम में नाम है, गांव वाले तो सोचते कि आप स्वर्गीय हो गए हैं। और उन लोगों ने जो जवाब दिया वो एकदम हिलाने वाला था कि सही में हम स्वर्गीय हो गए हैं, हम स्वर्गवासी मानव बन गए हैं, हमें तो ये जो दुनिया है वो स्वर्ग जैसी ही लगती, और हमें नहीं जाना है वहां पर बाहर, वो बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचते डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनलाइटन हैं, हम यहाँ पे एनरिच्ड हैं, एक्सटैटिक है हमारी फीलिंग, बोली इतनी सुंदर हमारा जो ये माहौल है, हम 500 लोग अलग अलग परिवारों से हैं पर यहाँ पर रहते हैं एकदम एकजुट होकर, जी हाँ खुशहाली है, उसको हम बयां भी नहीं कर सकते। वास्तव में ये कुआं क्या है, वो अफसर कौन है, वो गांव वाले कौन है, और वो अंदर रहने वाले लोग कौन है। आपको लगता होगा ये कहानी एक पहेली है, पर ये जीवन की पहेली है, ये बाहर वाले जो लोग हैं वो हमारी संसार की दुनिया है, जो किसी चीज को सही किसी चीज को गलत कहती है, जो अंदर जाने वाले साधक को पागल भी समझ लेती है, वो समझती है कि वो नीरस है, ध्यान के अंदर, अंदर की यात्रा के अंदर कौन सा सुख है, कौन सा आनंद मिलने वाला है, वहां तो अंधेरा है,
सूखापन है। वास्तव में उस कुएं की तरह उसे वो देखते हैं, मगर वो अफसर कौन है? वो हम हैं जो आज यात्रा करेंगे। और वो दिखने वाला जो रहस्यमय कुआ है, जो अंधेरा दिख रहा है, सूखापन दिख रहा है, उसके अंदर कितने रहस्य छिपे वो वही जान पाता है जो साधक बनता है, जो यात्रा करता है भीतर की। और वो यात्रा करने के बाद हम मिलते हैं उन हसीन अनुभवों से, उन सुंदर मनोरम अनुभवों से जो हमें मूव कर देती हैं, चेंज कर देती हैं और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। तो चलो आज हम एक प्रयोग के माध्यम से अंदर की साधना में उतरे और देखें हमारे भीतर कितने सुख और शांति के स्रोत हैं। और वास्तव में जो भीतर चला गया है वो जान पाएगा कि सुख का खजाना, आनंद के वो रहस्य कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है।